हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नव भारती फैमिली। टुडे वी स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट वर्क, एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मेजर्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। फर्स्ट टॉपिक इज वर्क। वर्क क्या होता है? द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनोदर। ये क्या होता है? एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, स्पेशली इन ऑर्डर टू मेक द सेकेंड ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन। और जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो उनमें क्या होना चाहिए? थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए एक सर्टेन डायरेक्शन में, वो मूव करने चाहिए ऑब्जेक्ट। अगर ये होता है तभी हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ है। या फिर आप नेक्स्ट डेफिनेशन देख सकते हो, द एक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग द डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्क। क्या हो? जब कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा हो और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, फोर्स मतलब आप उस पर कोई बल लगा रहे हो और उसका फिर डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, वो अपनी जगह से मूव हो रही हो, तब आप कह सकते हो कि वर्क हुआ है। जैसे एक बॉक्स रखा हुआ है, उसको हमने उठाया, तो उठाने में क्या लगता है? फोर्स लगता है। जैसे ही हमने उसको उठाया तो वो ऑब्जेक्ट जो है, जो बॉक्स है, वो अपनी जगह से कुछ दूरी पर आ गया, कोई सर्टेन डायरेक्शन में ऊपर की तरफ उठ गया, तो उसका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स भी अप्लाई हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी अप्लाई हुआ। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी बॉक्स को ऊपर की तरफ उठाएं तो हम फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट लगा रहे हैं, तो हमारा वर्क काउंट होगा। अब यहाँ पर एक टर्म आई है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन किसको बोलते हैं हम? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो जब एक फिक्स डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कवर करता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन होनी चाहिए। और अगर किसी फिक्स डायरेक्शन में, जैसे नॉर्थ में, ईस्ट में, वो कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो हम उसको नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाकर उठाया और हमने क्या किया, कोई एक फिक्स डायरेक्शन में हम उस बॉक्स को उठाकर चल दिए, तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और साथ ही साथ हमने क्या किया? वर्क किया। हम बॉक्स को उठाए और उसको एक फिक्स डायरेक्शन में लेके गए। तो यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ गया है कि फोर्स क्या होता है, वर्क क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो क्या हम इन दोनों बातों से कह सकते हैं कि वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट? कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब हम उस पर वर्क करते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगी। ये किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट पे। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन फोर्स एक्सर्टेड इन ऑब्जेक्ट। जब भी कोई वर्क होता है तो वो किस किस पे डिपेंड करेगा? वो डिस्प्लेसमेंट पर और उस पर लगाए हुए फोर्स पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से हम वर्क का फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उससे। और उसकी SI यूनिट क्या होगी? जूल। अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है ज़ीरो वर्क। हम कौन सी कंडीशन में कह सकते हैं कि वर्क नहीं हुआ है? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और व्हेन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। सिर्फ दो ही कंडीशन में ऐसा होगा जब आप वर्क को ज़ीरो मानोगे। कब? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, व्हेन वी होल्ड एन ऑब्जेक्ट एंड वर्क। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखते हैं और चल रहे हैं, द फोर्स एक्ट्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होगा? फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। वेयर डिस्प्लेसमेंट एक्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। जैसे हम यहाँ दो एग्जाम्पल से समझते हैं,
कोई पॉटर है, वो क्या कर रखा है, अपने सिर पर वेट उठा के एक जगह पे खड़ा है, ना तो वो मूव कर रहा है, ना किसी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ वर्क ज़ीरो होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक जगह पर खड़ा है, उसने फोर्स लगाकर उसको ऊपर रख लिया, लेकिन वहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, तो क्या होगा, वर्क ज़ीरो होगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल पे दे रखा है, कोई आदमी है वो दीवार को धक्का दे रहा है, तो क्या दीवार मूव होगी, नहीं, दीवार नहीं हिलेगी। तो अगर उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, वो हिल ही नहीं पा रही है, अपनी जगह से दूसरी जगह पे जा ही नहीं पा रही है, तो आप उसको वर्क में काउंट नहीं करेंगे। जैसे आप कोई भी सामान लेके एक जगह बैठ जाते हैं, तो वो वर्क नहीं कहलाएगा। वर्क में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी ज़रूरी है और फोर्स भी ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एनर्जी। कोई भी काम करने के लिए जो कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है एनर्जी। हमें कोई भी काम करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, उसकी काम को करने की कैपेसिटी। तो काम को करने की कैपेसिटी क्या है, एनर्जी है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट भी जूल होती है। जैसे फ्लोइंग वाटर, एयर, कॉल, स्टीम, डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब से क्या होगा, जैसे डीजल पेट्रोल है, जब आप कोई कार में डीजल पेट्रोल डालोगे तभी तो वो मूव कर पाएगी, वो काम कर पाएगी। अगर उसमें डीजल पेट्रोल ही नहीं है तो वो काम कैसे करेगी। तो अलग अलग चीज़ें हैं जो डिपेंड करती है एनर्जी पर, मतलब उन्हीं के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट है उनका मूवमेंट होगा या वो वर्क करेंगी। तो ये सब किसके एग्जांपल थे, ये सब एनर्जी के एग्जांपल थे। और एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क। सो इट इज़ क्लियर दैट वर्क हैज़ टू बी डन बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनोदर। टू परफॉर्म वर्क फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैज़ टू स्पेंड सम एनर्जी। कोई भी अगर वर्क होगा तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी एनर्जी को स्पेंड करेगा, खर्च करेगा। ड्यू टू दिस एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज, द वर्क डन बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन सेकेंड ऑब्जेक्ट। क्या होगा, जब ये एनर्जी सेकेंड ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ मूवमेंट होगा। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म्स हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड एटॉमिक एनर्जी। ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं इसके एनर्जी के। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैकेनिकल एनर्जी। सबसे पहले हम मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। द कम्बाइंड फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो एनर्जी से मिलकर बनती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से। द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी द रिजल्ट ऑफ इट्स मोशन। क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें जब मोशन होगा दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, तो वहाँ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। एंड और द रिजल्ट ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजिशन, और उसमें जो एनर्जी पहले से स्टोर है वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब दोनों एक साथ अप्लाई होती है कोई ऑब्जेक्ट पर, तब हम कहते हैं कि उस पर मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई हो रही है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी का। हमें एक कील को दीवार में लगाना है, तो हम उसको हैमर की हेल्प से लगाएंगे। तो जब हम हैमर को ऊपर की तरफ करते हैं, आप डायरेक्ट तो मारोगे नहीं उसको कील को, जब आप ऊपर की तरफ लोगे तो उसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी पहले से स्टोर होगी। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ ले जाते हैं फिर आगे लाके उसको बीट करते हैं ऑब्जेक्ट को, तब वहाँ पे कौन सी अप्लाई होगी, काइनेटिक एनर्जी। जब तक हमने उस कील को बीट नहीं किया था तब तक उसमें क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे ही हम उसको आगे की साइड पीछे ले जाके आगे की साइड लेके आएंगे, उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएंगी। और जब हम उस केल को बीट कर देंगे तब आप बोलोगे मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ से समझ आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब आप उस ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ लेके जाएंगे तब उसमें जो पहले से स्टोर एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब आप उसको वापस आगे की तरफ लेके आ रहे हो तो उसमें क्या होगा, मोशन होगा। और मोशन के थ्रू जो एनर्जी जाएगी
उसको बोलोगे आप काइनेटिकल एनर्जी। और जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है तब वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट पर कौन सी एनर्जी काम करती है, मैकेनिकल एनर्जी। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, अगर मोशन हो रहा है ड्यू टू मोशन, वाटर, एयर, व्हीकल, बॉल, ये सब इसके एग्जांपल होंगे। ड्यू टू पोजिशन, पोजिशन के कारण कुछ चेंजेस हो रहा है, जैसे स्प्रिंग है, स्लिंग शॉट है, एरो बाउ है, जैसे लॉन मूवर है, बाइसिकल है, सीजर है, हैमर है, ये जब मूव करते हैं या ये इन पर कोई फोर्स अप्लाई होता है, इनमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी साथ में आती है तब इनमें जो एनर्जी बनती है वो कौन सी होगी, मैकेनिकल एनर्जी। अब हम पहले काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसकी काम करने की कैपेसिटी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन और द एनर्जी गेन बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट टू मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, मतलब मूव नहीं कर रहा था, तो जैसे ही वो रेस्ट से मोशन में आता है तो उसकी एनर्जी में चेंज होता है और उसने जो पहले से एनर्जी गेन करके रखी थी उसमें मूवमेंट होता है, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ देखिए एग्जांपल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या क्या एग्जांपल होंगे, वाइंड मिल्स, जो हवा से जो व्हील्स चलते हैं उनको हम बोलते हैं वाइंड मिल्स। मूविंग कार, जब कोई कार मूव करती है तब वहाँ पे कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। फ्लाइंग एरोप्लेन, उड़ता हुआ हवाई जहाज, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है। बुलेट फ्रॉम अ गन, जब एक गन से बुलेट चलती है तो क्या होगा, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी। वॉकिंग एंड रनिंग, जब हम वॉक करते हैं रनिंग करते हैं तब वहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी काम में आती है। जब हम साइकिलिंग कर रहे हों, वॉकिंग कर रहे हों, सब जगह क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, व्हेन वी मेक चेंज इन पोजीशन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन में या उसकी शेप में चेंजेस करते हैं, देन मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, तो क्या होगी, वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, और इसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अ कॉइल्ड स्प्रिंग, जब कॉइल्ड स्प्रिंग चलाते हैं, व्हील्स ऑन रोलर स्केट्स बिफोर समवन स्केट्स, क्या होगा, जो स्केटिंग के जो रोल्स होते हैं, रोलर्स होते हैं, वो एन आर्कर्स बाउ विद द स्ट्रिंग पुल्ड बैक, जब हम बो को पीछे की तरफ खींचते हैं तब वहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। पोटेंशियल एनर्जी को आप समझ सकते हैं स्टोर्ड एनर्जी, जो पहले से एनर्जी स्टोर करती है। अराइज्ड वेट, वाटर दैट इज़ बिहाइंड अ डैम, अ स्नो पैक, अ क्वार्टरबैक्स आर्म बिफोर थ्रोइंग अ पास, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकने से पहले पीछे की तरफ हाथ करते हैं तो वो भी क्या है, जब हम हाथ को पीछे की तरफ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी काम करती है। नेक्स्ट है जब हम किसी भी रबड़ को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी स्ट्रेचिंग में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी काम करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल क्या क्या होंगे, जब कोई एरो निकल के जाता है कमान में से, या फिर स्लाइडिंग करते हुए जब हम साइकिल चलाते हैं, मसल्स मूविंग, जब मसल्स की मूविंग होती है, या फिर जब कार मूव होती है, तो ये सब किस में आएंगे, काइनेटिक एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी में जब हम एक रबड़ को स्ट्रेच करते हैं तो वहाँ पर स्टोर एनर्जी काम में आती है। वाटर एट द टॉप ऑफ वाटरफॉल, वाटरफॉल से जब नीचे की तरफ आता है उससे पहले का जो वाटर है उसमें एनर्जी जो स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। एनर्जी का सेकेंड टाइप है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी कब होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन बर्निंग ऑब्जेक्ट्स और हॉट ऑब्जेक्ट, जब कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट है या फिर कोई ऑब्जेक्ट जल रहा है तो वहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं हीट एनर्जी। हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय वन सब्सटेंस टू अनदर एंड द फ्लो
because of the temperature difference between two object is known as heat. क्या होता है? हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है. क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी में क्या है? हीट है. और हीट आपको पता है जो गर्म एरिया है, मतलब जो हॉट रीजन है, उसकी तरफ से कोल्ड रीजन की तरफ आती है. और ये तब तक हीट ट्रांसफ़र होती रहती है जब दोनों रीजन बराबर ना हो जाए. मतलब जैसे आपने देखा होगा, आपके घरों में खाना बनता है तो खाने की सुगंध हमें आ जाती है. क्यों आ जाती है? क्योंकि जब खाना बन रहा है तो वहाँ से क्या निकल रही है? हीट निकल रही है. और वो एरिया जो है वो गर्म है, तो जो ठंडा एरिया है उसकी तरफ वो हीट के थ्रू जो खुशबू है वो आ जाती है. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी जो है, हीट एनर्जी, वो ट्रांसफ़र होती है. तो हीट एनर्जी कहाँ कहाँ हो सकती है? बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, लाइट के अकॉर्डिंग, सन के थ्रू हो सकती है, फायर के थ्रू हो सकती है, स्टोव या गैस के थ्रू हो सकती है, हीटर के थ्रू हो सकती है. और जब हम कोई लाइट वगैरह जलाते हैं, चाहे वो बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, उससे भी हीट एनर्जी निकलती है. ब्रेकर्स जो होते हैं उनमें भी हीट एनर्जी निकलती है. तो हीट एनर्जी के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? रन द इंजन ड्यू टू हीट ऑफ कॉल. जो इंजन होता है रेलगाड़ी का या ट्रेन का, तो वो कब चलता है? जब उसमें कोयले डाले जाते हैं. अगर कोयले से चलने वाली ट्रेन है तो जब हम उसमें कोयले डालेंगे तो कोयलों से जो हीट निकलेगी उसी के प्रेशर से क्या होगा? इंजन चलेगा. तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी काम आई? हीट एनर्जी. मोशन इन व्हीकल ड्यू टू पेट्रोल और डीजल. कोई भी व्हीकल है उसमें डीजल और पेट्रोल जब डालोगे तभी क्या होगी? उनमें से हीट निकलेगी और वो चलेंगे. तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल होंगे? ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे हीट एनर्जी के. नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी कब होती है? एनर्जी स्टोर्ड इन फ्यूल. जब फ्यूल में पहले से एनर्जी स्टोर रहती है उसको हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सेल और बैटरी. केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें? सेल और बैटरी. सेल और बैटरी में क्या होता है? केमिकल फील होता है. और वो केमिकल जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. कैसे? सेल और बैटरी है उनमें सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है, ठीक है. सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? केमिकल है. तो उससे क्या निकलेगी? केमिकल एनर्जी निकलेगी. लेकिन सेल और बैटरी ये किसका काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे कौन सी निकल रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. केमिकल एनर्जी एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स. केमिकल कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें केमिकल एनर्जी स्टोर रहती है. केमिकल एनर्जी मे बी रिलीज्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. जब केमिकल्स के आपस में केमिकल रिएक्शन होगी तब वो रिलीज हो सकती है, या फिर वो हीट की फॉर्म में भी रिलीज हो सकती है. तो इसके एग्जांपल क्या होंगे? ऑल टाइप्स ऑफ फ्यूल. जितने भी टाइप के फ्यूल्स हैं, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, मीथेन गैस हो, कोई भी हो, उन सब में जो पहले से एनर्जी स्टोर रहती है उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी. द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोर्ड केमिकल एनर्जी आर बायोमास, बैटरीज, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड कॉल. जो पहले से एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी जब पहले से स्टोर होती है, किस किस में रह सकती है? बायोमास में, बैटरीज में, सेल में, नेचुरल गैस में, पेट्रोलियम में, या फिर कॉल में. ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे केमिकल एनर्जी के. टाइप्स ऑफ केमिकल एनर्जी में कौन कौन से टाइप आएंगे? पेट्रोलियम, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस होती है? जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं. तो इसमें क्या होगा? CO2 को वो ऑब्जर्व करते हैं और O2 को रिलीज करते हैं. तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी केमिकल एनर्जी की प्रोसेस होती है. जैसे वुड हैं, लकड़ियां हैं, उनमें भी क्या होती है? बायोमास होती है. बैटरी है, सेल है, या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन. सेल्स में जो रेस्पिरेशन होता है, सांस लेने की जो प्रोसेस होती है, उनमें भी केमिकल एनर्जी होती है. या फिर आप कह सकते हो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम में भी केमिकल एनर्जी होती है. नेक्स्ट है लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी कब होती है? एनर्जी स्टोर्ड इनटू लाइट ऑफ सन और बल्ब एटसेट्रा. जब एनर्जी पहले से स्टोर होती है
किस में? सन की लाइट में, बल्ब में, ट्यूब लाइट में, तो वो क्या होता है? लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी इज अ काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद द एबिलिटी टू मेक टाइप्स ऑफ लाइट विजिबल टू ह्यूमन आइज. लाइट एनर्जी एक काइनेटिक एनर्जी का ही टाइप होता है. इसमें क्या एबिलिटी होती है? इसमें बहुत सारे जो टाइप्स की लाइट है वो विजिबल करवाती है ह्यूमन आई को. लाइट इज डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय हॉट ऑब्जेक्ट्स लाइक लेजर, बल्ब्स एंड द सन. लाइट एनर्जी हमें किस किस से मिलती है? जो हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे लेजर है, बल्ब्स है, ट्यूबलाइट्स है, सन है, इन सब से हमें लाइट मिलती है. और ये एक फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का. इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? हीटिंग द ऑब्जेक्ट्स इन सन रेज. जब सन रेज किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, हीट करने लगता है. तो यहाँ से कौन सी लाइट आ रही है? लाइट एनर्जी. इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग बाय सोलर सेल. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है आजकल सोलर सेल से, सोलर सिस्टम लगा देते हैं, उससे क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. तो ये भी क्या है? लाइट एनर्जी के थ्रू होता है. जब सन की रेज जो है, सनलाइट है, वो सोलर सिस्टम पे गिरती है, तो यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है या लाइट एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. देर आर मैनी एग्जाम्पल्स वी सी इन आवर डेली रूटीन लाइफ लाइक लाइट एंड कैंडल. जैसे कोई कैंडल जल रही है, हमारे फ़ोन की फ्लैश लाइट है, फायर है, इलेक्ट्रिकल बल्ब है, केरोसिन लैम्प है, स्टार्स हैं, और जो भी अदर ल्यूमिनियस बॉडीज. ल्यूमिनियस बॉडीज़ का मतलब है जो चमक, जिनमें चमक हो या जिनमें लाइट हो, उन सब बॉडीज़ में क्या होगा? लाइट एनर्जी होगी. ईच एक्ट एज अ सोर्स ऑफ लाइट. इनमें से हर एक क्या करेगा? लाइट की तरह काम करेगा. इवन अ बर्निंग कैंडल इज एन एग्जाम्पल फॉर लाइट एनर्जी. जब कोई कैंडल जल रही है तो वो भी क्या काम करेगी? लाइट एनर्जी का काम करेगी. हमें दो तरह से लाइट मिलती है, एक तो नेचुरल लाइट सोर्स और एक आर्टिफिशियल लाइट सोर्स होते हैं. नेचुरल मतलब जो नेचर से मिलती है, जैसे सनलाइट है. सनलाइट क्या होती है? नेचुरल लाइट सोर्स होती है. और आर्टिफिशियल लाइट सोर्स में जैसे कैंडल्स हैं, बल्ब हैं, दिए हैं, लैम्प है, बैटरी, फ्लैश लाइट, फायर, ये सब किस में आएंगे? ये आर्टिफिशियल लाइट में आएंगे, ठीक है. और इसके अदर एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रिकल बल्ब, लैम्प, दिया, जब लकड़ियाँ जलती हैं, बर्निंग कॉल, ये सब आर्टिफिशियल लाइट में आएंगे. तो याद रखना, दो टाइप होते हैं लाइट सोर्स के, एक तो नेचुरल लाइट सोर्स और एक आर्टिफिशियल लाइट सोर्स. तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं. आज की क्लास में हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा, वर्क के बारे में पढ़ा, और कुछ एनर्जी के टाइप्स पढ़े. नेक्स्ट क्लास में हम एनर्जी के कुछ जो टाइप्स रह रहे हैं वो पढ़ेंगे, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है, केमिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, या जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. इस तरह के कुछ कन्वर्जन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.